आज जंग लड़ते हुए नजर आए, यानी कि सड़कों से लेके जेलों तक, कभी अंदर कभी बाहर, और ये कहते रहे कि स्टेटहुड और कहीं ना कहीं जो हमारा 370 पैंतीस से गया है उसकी वापसी होगी। और नई सरकार बनते ही इन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये कह दिया था, क्योंकि साथ में रहकर ये सरकारें बनी है, इन्होंने कह दिया था कि ये ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं इस ऑर्डिनेंस को पारित कर दिया है। क्या इनसे पूछते हैं, सर क्या लग रहा है आपकी सरकार जो इस वक्त बनी हुई है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा जो है वो वापस दे रही है, क्या कहेंगे? गुलशन, 5 अगस्त 2019 को जब मेरे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बर्बाद किया गया था, उस दिन भी मैं जार जार रोया था, खून के आंसू रोया था। आज भी जब हमारी रियासत का दर्जे का रेजोल्यूशन और आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन असेंबली में पास हो गया, तो आज भी मेरा दिल रो रहा है, लेकिन खुशी के आंसू मेरी आंखों में नजर आएंगे आपको। मैं अकेला ही चला था जानिवे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, और रास्ते में कितनी रुकावटें आई मेरे इस मंजिल तक पहुंचने के लिए, सिवाय मेरे पास रास्ते के लिए 1,30,00,000 अवाम और मेरे डोगरा महाराजा के आशीर्वाद के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। मैं चलता गया, रुकावटें आई, लोगों की तोहमतें आई, भारतीय जनता पार्टी ने तोहमतें लगाई, आज भी लगाएगी, लेकिन मैं रुका नहीं। जेलों में भूख हड़ताले, धरने, प्रदर्शन, ये लोगों की जीत है, ये मेरे पत्रकार मित्रों की जीत है, ये डोगरा लोगों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनावली पीरपंजाल पहाड़ियों की जीत है। और फिर मैंने रास्ते बनाए, सभी जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा किया, नेताओं को इकट्ठा किया, मुझ पे तोहमतें लगी, ये जम्मू का आज भी ट्रोल करेंगे, जयचंद का नाम देंगे, ना जाने कौन कौन से सोशल मीडिया पे बीजेपी का आईटी सेल ट्रोल करेगा, करें आप ट्रोल, हाँ मैं जयचंद उनके लिए हूं जिन्होंने मेरी रियासत का दर्जा, मेरे डोगरा महाराजा की विरासत, मेरे महाराजा डोगरा की, जिन्होंने 370 35 स्टेट सब्जेक्ट इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, हमारी जमीनों नौकरियों की हिफाजत, वो असेशन की शर्तें जिन्होंने तोड़ी, भारतीय जनता पार्टी का वो जयचंद है आज साबित हो गया। आज भी जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती ये वापस आए, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ने पारित तो करवा दिया, हो गया, हम इकट्ठे ही चले थे। मुबारक देता हूं मैं हमारे अलायंस की गठबंधन सरकारों को, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मेरे साथ वहां पे बैठी, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लड़ी, और यहां तक कि इन्हीं मुद्दों के ऊपर, मेरे विजन विशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर, गुलशन मैंने आपसे वादा किया था, पत्रकारों को बोला था कि इसी मुद्दे के ऊपर सरकार बनेगी, इन्हीं मुद्दों के ऊपर मुख्यमंत्री बनेगा, और इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैं सरकार बना करके दिखाऊंगा। लेकिन आज मुझे इंतहा खुशी है कि ये आर्टिकल 370 का आज महाराजा हरि सिंह जी को अपने बुजुर्गों के मान सम्मान बड़ा है हुआ, इन्होंने हमारा दरबार मोह रोक दिया, इन्होंने 370 पैंतीस से तोड़ करके एक लाइसेंस ले लिया लूट खसूट का जम्मू कश्मीर में, और रात के अंधेरे में किन हालात में इन्होंने 370 को हटाया, पूरे जम्मू कश्मीर को जेल खाने में तब्दील किया, इंटरनेट सर्विसेज 2 सालों तक बंद रही, 18 महीने तक लोगों को बोलने की इजाजत आज तक भी नहीं है, और कुछ गोदी मीडिया आज भी स्टोरियों को अलग अलग तरीके से पेश करेगा, लेकिन अब उनको ठीक है, असेंबली में पास हुआ है, उसी पार्लियामेंट में ये 3 बार हमको 370 दिया था भारत के संविधान ने, भारत के संसद ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ने दिया था, फिर जाएगा ये वहां पे। भारतीय जनता पार्टी ता उम्र तक रहने वाली नहीं है, वहां से हम अमेंडमेंट करवा के वापस लाएंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, अभी लोगों का ये कहना है
कुछ नेता ऐसे भी आएंगे जो बात तक नहीं करते थे, लेकिन अब वो आएंगे और वो ये कह रहे हैं ये पार्लियामेंट में पारित होगा तो दिया जाएगा। अरे भाई कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को पता लिखा करके नहीं लाई जो 370-400 पार की सीटों का दावा करती थी, जम्मू कश्मीर में 50 पार का दावा करती थी। अरे ये विपक्ष में इनके लोगों ने इनकी नीतियों को नकार दिया। डोगरे लोग बहुत खुश हुए होंगे, गुलशन क्यों नहीं मान रहे। इन्होंने सिवाय जम्मू चिनाब वैली पीर बंजाल कश्मीर के लोगों को दरबार मुंह बंद, बच्चे बेरोजगार कर दिए, रेत बजरी पहाड़ तमाम ठेके इन्होंने बाहर के लोगों को दे दिए, बिजली के प्रोजेक्ट, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। आज भी अभी तक एलजी का भाषण था ना, दोहरा चेहरा ड्यूल कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी का नजर आया। आपको तो ये करना चाहिए था प्रदर्शन में, आज आपको पैगाम भेज रहा हूं यहां से कि आप प्रदर्शन ये कीजिए कि रियासत का दर्जा टाइम बोर्ड तरीके से वापिस आए, नंबर एक। नंबर दो, हमारा स्टेट सब्जेक्ट का जो सिस्टम था वो शुरू किया जाए और डोमिसाइल सारे कैंसिल किए जाए और बच्चे पके किए जाए, दरबार मूव शुरू किया जाए। डोमिसाइल कैंसिल हो गए, जो यहाँ लगभग लोग बसाए गए हैं जिन्होंने जमीनें खरीद ली हैं वो ये बोलते थे हम यहाँ के नागरिक हो गए, उनका क्या होगा? अरे भाई आगे की भावना से काम नहीं करते हैं हम, दंगे फसाद के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। महात्मा गांधी का मुल्क है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते के ऊपर चल के आज ये मंजिल हासिल की है हमने और आज खुशी हो रही है मुझे। मुबारक देता हूं मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कश्मीर के संगठन कुछ यहाँ पे ए बी सी डी टीमें बनके जमा जवानी खर्चे करते रहे, उनको भी मुबारक दे रहा हूँ। अल्लाह बुखारी ए बी सी डी बनी आज उन्होंने भी सपोर्ट की ना पास करने में, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 5 सालों तक अवाम के बीच में सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कौन रहा। आपको भी मुबारक, पत्रकारों को भी मुबारक, बहुत 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 साथ दिया आपने। सुनिए अभी जिस हिसाब से ये हुआ है, जम्मू कश्मीर की नई सरकार ने ये काम किया है तो आम जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी तो मनानी चाहिए। देखिए हम जख्मों के ऊपर लड्डू नहीं बांटते, ढोल नहीं बजाते, हम कानून के हिसाब से चलते हैं। चाहता तो हजारों लोग इकट्ठे करके मैं आज जश्न मना सकता था, लेकिन जिसको दुख पहुंचता मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। इशारा समझ ले दीजिए, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लूटा, किसने लूटा। ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने लूटा था, महाराजा हरि सिंह जी की विरासत को लूटा था, बर्बाद तहस नहस किया था, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्तिस्तान को भी मैं आजाद करवा के भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाऊंगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहीं ना कहीं जो हमारी नई असेंबली में पारित हुआ अभी ये जो बिल है और डिप्टी सीएम ने ये बिल कहीं ना कहीं पारित करवा दिया है, जम्मू कश्मीर को फिर उसका हक और हकूक जो है वो मिलने जा रहा है, क्योंकि अभी ये लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट में जाएगा। अब पार्लियामेंट सेंटर में सरकार किसकी है, अब उस सरकार को भी ये सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम जो 5 अगस्त 2019 के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अगर आप उनको उनका हक देते हैं तो आने वाले वक्त में दिल खोल कर आपको भी जो वोट है वो दिया जाएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लगे अपनी मत बोराए कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए।